सरस्वत्याय नमो नमः। ओम वर प्रदाय नमो नमः। ओम महाभद्राय नमो नमः। ओम महामायाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। भक्तों, सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है। इन्हें साहित्य, कला और स्वर की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शुक्रवार को अन्य शक्ति स्वरूपों के साथ माँ सरस्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं स्वयं विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की थी। इनकी उपासना करने से कालिदास जैसे मूर्ख भी विद्वान बन गए। माघ शुक्ल पंचमी यानी वसंत पंचमी को इनकी विशेष रूप से पूजन की परंपरा है। भक्तों, माँ सरस्वती की अनेक प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से कुछ पावन कथाओं को आज हम प्रस्तुत करेंगे। इन कथाओं के श्रवण से असीम सुख व शांति की अनुभूति होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माँ सरस्वती की कुछ प्रसिद्ध कथाएं। करते वंदन प्रथम पूज की जो है गौरी पुत्र गणेश, सिद्धि विनायक हम भक्तों पर रखना अपनी कृपा विशेष। फिर सरस्वती का करके वंदन करते हैं हम महिमा मंडन, ज्ञान की देवी सुर की सरिता तू ही पावन तू ही पवित्र। माँ का आसन है हंसानन, निरंजना माँ है चतुरानन, जो भी करता माँ का ध्यान उसको मिलता विद्यादान। सरस्वती माँ की कथाएं उनमें से हम कुछ को सुनाए, सुनना भक्तों ध्यान लगा कर हंस वाहिनी सब कृपा कर। भक्तों, सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरने आदि समस्त चराचर जगत की रचना की, परंतु वह अपनी सृजना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने श्री हरि की आज्ञा पाकर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी कंपित होने लगी और एक अद्भुत शक्ति स्वरूपा चतुर्भुजी सुंदर मनमोहक स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक व माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जब श्री विष्णु की आज्ञा पाया तब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया, नदी झरने और पेड़ पहाड़ सृजित किया है धरा श्रृंगार। पर यह धरा थी बिल्कुल निर्जन, तब ब्रह्मा ने रचा नारी नर, सृष्टि रच के ब्रह्म पछताए यह सृष्टि उन्हें जरा न भाए। सब कुछ शांत व सुना लागे, अब क्या करें वो इससे आगे। तब ब्रह्मा ने जनाप लेकर छिड़क दिया है सूक्त धरा पर। प्रकट हुई नारी एक सुंदर, हंसते वीणा दुज मुद्रा पर, छेड़ा है वीणा का जो तान, मिला है सबको ध्वनि का ज्ञान। भक्तों, ब्रह्मा जी अपनी कृति से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बनाई गई सृष्टि में जान आ गई। पंछी चहचहाने लगे, कलरव करने लगे, नदियाँ झरने कलकल करने लगे, समस्त जीवों में वाणी का संचार हो गया, पूरी पृथ्वी मानो मुस्कुराने लगी। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी की स्तुति वंदना की। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सत्य लोक में परम पद दिया। इस प्रकार भक्तों, माँ सरस्वती का आविर्भाव हुआ। ब्रह्म विद्या एवं नृत्य संगीत क्षेत्र के अधिष्ठाता के रूप में नटराज, शिव एवं सरस्वती दोनों को माना जाता है। इसी कारण दुर्गा सप्तशती की मूर्ति रहस्य में
दोनों को एक प्रकृति का कहा गया है। अतः माता सरस्वती के अन्य नामों में इन्हें शिवानुजा अर्थात शिव की छोटी बहन कहकर भी संबोधित किया गया है। श्वेत कमल पर मैया विराजे, हाथ में इनकी वीणा साजे, अन्य हस्त पुस्तक और माला, सब जीवों में वाणी डाला। मान किया ब्रह्मा का वंदन, स्तुति करके किया अभिनंदन, दिया ब्रह्मा ने सरस्वती नाम, सबके लोक है माँ का धाम। माँ देती है कला स्वर ज्ञान, मूर्ख भी जिससे बने विद्वान, जो माँ का निस्दिन कर पार, उनको मिलता माँ का सार। ब्रह्म विद्या को देने वाली माँ ही काली, माँ ही कराली, जिन पे होती है माता सहाय, लक्ष्मी भी उन पे कृपा बरसाए। भक्तों, माता सरस्वती को भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माना जाता है। एक बार की बात है, सरस्वती माता को एक अनुष्ठान में पहुंचने में देर हो गई और ब्रह्मा जी को यह महत्वपूर्ण अनुष्ठान समय पर करना था, इसलिए उन्होंने गायत्री नामक स्त्री से शादी रचाई और अनुष्ठान करने बैठे। तभी वहां सरस्वती माँ आ गई। जब माता सरस्वती को शादी की बात पता चली तो वह निराश और क्रोधित हो गई। उसने ब्रह्मा को श्राप दिया ताकि मनुष्य फिर कभी ब्रह्मा जी की पूजा न करें। हिंदू धर्म में पाई जाने वाली अधिकांश परंपराओं का यही मामला है। जबकि त्रिमूर्ति के विष्णु और शिव और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती है, भले ही वह ब्रह्मांड के निर्माता हैं। बाद में माता को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने कहा कि जहाँ वे अनुष्ठान करने बैठे थे बस वही उनकी पूजा होगी। भक्तों, इसी कारण से पूरे संसार में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में है, जहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है। बोलिए सरस्वती माता की जय। पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी को करना था सस्मय अनुष्ठान, सरस्वती नहीं पहुँच पाएंगी, इसका उनको हो गया भान। तब ब्रह्मा ने गायत्री माँ से यज्ञ हेतु है शादी रचाई, पता चला जब शारदा माँ को दिया शाप, फिर ब्रह्मा जी को होगी नहीं अब कहीं भी पूजा। सुनो हे ब्रह्मा मंदिर आपका पुष्कर छोड़ना होगा पूजा, इसीलिए संपूर्ण जगत में एक ही मंदिर का है वर्णन, पुष्कर ही बस एक जगह है जहाँ होता है ब्रह्मा पूजन। भक्तों, महाकवि कालिदास को अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और खुद को सबसे विद्वान समझने लगे थे। एक दिन वे यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी। उन्हें एक कुआं दिखाई दिया, कुएं पर एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने उस महिला से पीने के लिए पानी मांगा। महिला ने कहा कि पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं आपको पानी दूंगी। कालिदास अपने ज्ञान के घमंड में डूबे हुए थे। उन्होंने खुद नाम ना बताए हुए कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि ये तो सही नहीं है, संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। ज्ञान की ये बात सुनकर कालिदास हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। महिला बोली कि ये भी सही उत्तर नहीं है, इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील है, पहली धरती है जो हमारा बोझ उठाती है, दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल नहीं देते। कालिदास को समझ आ गया कि ये महिला कोई विद्वान है। उन्होंने कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर गलत बात कह रहे हैं, संसार में हठी भी दो ही हैं, नाखून और बाल, बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। ये बातें सुनकर कालिदास ने अपनी हार मान ली। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करें। महिला ने कहा कि तुम मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख भी दो ही हैं,
एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है। दूसरे मूर्ख हैं दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। इस बात के बाद कालिदास महिला के पैरों में गिर पड़े। तभी महिला ने कहा कि उठो पुत्र। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ माँ सरस्वती खड़ी थी। देवी सरस्वती ने कालिदास को सीख दी कि तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया था और मेरे भक्तों को इस बुराई से बचना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ा है। कालिदास ने देवी सरस्वती से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वे कभी भी घमंड नहीं करेंगे। बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। एक समय की बात है भक्तों, कालिदास थे कवि महान, उनको ज्ञान का हुआ घमंड, खुद को समझ सबसे विद्वान। एक दिन कर रहे थे यात्रा, रास्ते में लगी उनको प्यास, देखा कुएं पर जो महिला को, आ गए झट से उनके पास, कहा है माते पानी पिला दो, अतृप्त कंठ को तृप्त करा दो। कहा महिला ने परिचय दीजिए, उसके बाद ही पानी दीजिए। जीत न पाए करके शास्त्रार्थ, फीका पड़ गया उनका ज्ञान, हाथ जोड़ कर मांगी क्षमा, फिर जब हुआ उनको माँ का भार। इसीलिए भक्तों, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भक्तों, वसंत ऋतु में मानव तो क्या पशु पक्षी तक उल्लास भरने लगते हैं। यूं तो माघ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला होता है, पर वसंत पंचमी का पर्व हमारे लिए कुछ खास महत्व रखता है। इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे ज्ञानवान विद्यावान होने की कामना की जाती है। वही कलाकारों में इस दिन का विशेष महत्व है। कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार अपने उपकरणों की पूजा के साथ माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। बोलिए भक्तों, सरस्वती माता की जय। सरस्वती को कहते बागेश्वरी, देती स्वर कला विद्या दान, सरस्वती के जो भक्त है होते उनको मिलता यश सम्मान। सरस्वती है संगीत की जननी, वीणा इसका है पहचान, हंस की करती है ये सवारी, माता की महिमा है महान। सरस्वती है वेदों की दात्री, शास्त्र बीन का करती बखान, सारे कामना पूर्ण हो जाती जो करते माता का ध्यान। ओम श्री भीम सरस्वती नमः, माता का यही मूल है मंत्र, होते उन पे विशेष कृपा जो घर में रखते सरस्वती यंत्र। ऋग्वेद में देवी सरस्वती को मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान और मनोवृत्तियों का संरक्षक माना गया है। देवी सरस्वती के गुणों को जितना समझो उतना कम मालूम पड़ता है। माँ सरस्वती का प्रकाट्य माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था, इस वजह से हर साल सरस्वती पूजा होती है। इस तिथि को वसंत पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। माँ सरस्वती को माँ शारदा, भगवती, वीणा वादिनी, वाग देवी, बागेश्वरी आदि नामों से पुकारते हैं। उनको पीला रंग प्रिय है, इसलिए वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग की मिठाई आदि चढ़ाते हैं। प्रेम से बोली सरस्वती माता की जय। गुणों की खान, अज्ञानी को ज्ञान है देते।
शुभ निरज ही दिया पर लिखवाणी न बोल। मिथ्या वचन की होड़ मची दुनिया भी डबडो। कर रचना तब ज्ञान के हाथ कमंड सरकार। ज्ञान की देवी प्रकट हुई करने जग का उधार।
पर शोभित माता अजब है मीठा भाव। हर बालक बस तेरा चाहे सफल होने का छाव। Okay.
जो मेरा मन विचलित हो, गलत हो मन की चाह। वीणा धारणी कलम की देवी, तुम्हें दिखाना राह। सत्य अहिंसा पथ पर लाना, डाल के विद्या विवेक। स्वच्छ हो सारे मन के इरादे, काम करो सब नेक।
गीत संगीत प्रकार। तुम बिन माता सब अधूरा, शब्द हो चाहे साहित्य, तेरी आशीष से सब संभव है, नाटक नाट्या नित्य।
जगदम्बा जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा क्षण में बांधता ही तू अम्बा भरत मात बुधि बल बुद्धि विद्या